वॉट्स गड एवरी वारी एक लंबे इंतजार के बाद आज की वीडियो आपके लिए ऑन अ वेरी स्पेशल टॉपिक विच इज़ हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स और इन पर्टिकुलर अगर खास आज की ही वीडियो की बात करें तो हम सीखने वाले हैं हाउ टू ड्राफ्ट इफेक्टिव ई मेल्स सिक्स स्टेप्स फॉर्मूला सिक्स स्टेप्स का फॉर्मेट सीखेंगे और मैं आपको सिखाने वाली हूं बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप रिपीटेटिवली यूज कर सकते हैं ई ड्राफ्ट करते टाइम अब यू विल बी लाइक क्यों सीखनी है ई राइटिंग बाबा इफ यू वॉन्ट टू ग्रो इन योर प्रोफेशनल लाइफ राइट यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट इंफिनिट ग्रोथ ई मेल राइटिंग एक चैप्टर नहीं है एक स्किल है इस बात को समझ लें अब आपको बॉस को इंप्रेस करना है या क्लाइंट्स की अटेंशन लेनी है या इंटरव्यूअर का रिप्लाई चाहिए तो कुछ तो ऐसा लिखना पड़ेगा ना कि बंदा

अपग्रेड और अपडेट करना है खुद को जस्ट मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल गेट यू कवर्ड चलिए शुरू करते हैं बिगिन जस्ट इन केस आपको लग रहा है यार मैं तो कभी ईमेल्स लिखता ही नहीं हूँ मुझे तो कोई काम ही नहीं है या फिर आप एक हाउस वाइफ हैं बहुत प्यारे वाली और आपको लग रहा है ईमेल राइटिंग इज ऑफ नो यूज टू मी गाइज लेट मी टेल यू इज वीडियो में इवन मेरी हर वीडियो में बहुत सारे वर्ड सेंटेंसेस और फ्रेजेस कवर करती हूँ जिससे आपकी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी तो हंड्रेड परसेंट ग्रो होने वाली है सो स्टे स्टेट टिल एंड ओके तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाइन पर आने से पहले ये देखो आप जब कंपोज बटन पर क्लिक करते हैं तो एक ऐसे आपका इंटरफेस ओपन होता है टू में आप ई मेल लिखते हैं जिसको आप ई भेजना चाहते हैं उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आपका होता है सीसी का सीसी इज कार्बन कॉपी मतलब आप बताना चाहते हैं कि यार ये ई मैंने इन पांच

तक पहुंच जाए और उन्हें पता भी ना चले कि मैंने अपना रिज्यूमे कहां कहां एग्जैक्टली exactly सबमिट किया है उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम वो है सब्जेक्ट लाइन का जब ई मेल इनबॉक्स आप ओपन करते हैं तो एक ही लाइन दिखती है उससे आपको थोड़ा आइडिया होता है कि ई मेल हमारी किस बारे में है उसको सब्जेक्ट लाइन बोलते हैं जैसे पहला सब्जेक्ट लाइन एक हो सकता है वैसे आपका सब्जेक्ट लाइन बहुत प्रिसाइज होना चाहिए क्लियर होना चाहिए उसमें बहुत सारी बातें नहीं होनी चाहिए पर फिर भी एक बार सैम्पल देखते हैं कि सब्जेक्ट लाइन एग्जैक्टली हमें कैसे लिखनी है जैसे रियली एंजॉयड आर कॉन्वर्जेशन अगर आप मेरे से फ़ोन पर बात करते हैं और उसके आप में को थैंक्स कहना चाहते हैं तो आप कहेंगे रियली really इंजॉयेशन उसके बाद आप अपना कंसर्न और अपनी ई ईमेल में लिख सकते हैं सेव योर स्पॉट नाउ एसईओ वेबिनार लिमिटेड सीट्स। अगर आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं ना और वो कोई सेमिनार या वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सेमिनार ऑफलाइन होता है और वेबिनार इंटरनेट के थ्रू नो जो आपकी एप्लीकेशन हैं जो ऑनलाइन कंडक्ट होता है उसको वेबिनार्स बोलते हैं आप कंडक्ट करना चाहते हैं तो आप लिख देंगे कि यार अपना स्पॉट सेव करो लिमिटेड सीट्स हैं हम फ्री वेबिनार दे रहे हैं या फिर यू आर इन्वाइटेड द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आप एक ऐसी ई लिख रहे हैं जो कोल्ड ई होती हैं ये कोल्ड ई का मतलब होता है कि बंदे ने आपसे मांगी नहीं है सर्विस बस आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि यार हम ये सर्विस देते हैं। हैं. तो अगर मैंने आईटी प्रोफेशनल्स को कोई कोर्स सेल करना है तो मैं कहूंगी यू आर इनवाइटेड आप

मीटिंग सेट करनी है है ना मीटिंग के लिए सबको बुलाना है तो मीटिंग का इनविटेशन देने के लिए सब्जेक्ट मीटिंग ऑलरेडी प्लान है शेड्यूल्ड है, है, uh, you know, है, है तो आप अपने एम्प्लॉय को या अपने कोलीग्स को इन्फॉर्म करना चाहते हैं हाँ, आप मैनेजर हैं तो आप कहेंगे मीटिंग अलर्ट टूडे टाइम और प्लेस आप ऐसे कॉल इन करके लिख सकते हैं फ्री कॉफ़ी फ्रॉम असाइड लेट्स मीट अगर आपको लग रहा है ना कि जो रेसिपिएंट है जो ईमेल को पढ़ने वाला बंदा है वो शायद मीटिंग में ना आए तो आप उसको लर कर सकते हैं लालच दे सकते हैं थोड़ा सा कि यार फ्री कॉफी है मतलब चल करेंगे बैठेंगे बातचीत करेंगे चलिए मिलते हैं अब मिलने का एक स्पेसिफिक रीज़न भी हो गया कि कॉफ़ी पियेंगे और बात करेंगे तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है एक मीटिंग को शेड्यूल करने का रिमाइंडर फॉर अ मीटिंग फॉर टू कई बार मीटिंग बहुत पहले शेड्यूल्ड हुई होती है और फिर हमें रिमाइंड करना कराना पड़ता है सबको कि यार मीटिंग है आप लोग आइएगा तो उसका मेथड है कि आप उसमें रिमाइंडर लिख दें रिमाइंडर किस चीज़ के लिए फॉर आया है के लिए के लिए रिमाइंडर फॉर अ मीटिंग कब की है मीटिंग फॉर टमोरो नेक्स्ट मीटिंग टूमोरो प्रोवाइड योर कन्फर्मेशन टू डे इट्सल्फ मतलब मीटिंग तो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है पर आप अपने कोलीग्स को कह रहे हो कि भाई आज ना कन्फर्म कर देना कि कौन कौन मीटिंग में आ रहा है इट्सल्फ का यहाँ पर मतलब है आज ही प्रोवाइड योर कन्फर्मेशन प्रोवाइड मतलब प्रदान करना प्रोवाइड क्या प्रोवाइड करना है कि आप कन्फर्म कर दें प्रोवाइड योर कन्फर्मेशन टुडे डे इट्स सेल्स मैनेजर सीकिंग न्यू अपॉर्चुनिटी अगर आप कहीं पर सेल्स मैनेजर हैं या जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उस डोमेन का नाम लिखें जिस भी जिस भी चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है और फिर लिख दें सीकिंग न्यू अपॉर्चुनिटी मतलब आप नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं इसका मतलब जब मैं अपना रिज्यूम कहीं और अप्लाई करूंगी तो मैं ये वाली सब्जेक्ट लाइन यूज़ कर सकती हूँ जॉब एप्लीकेशन एच आर मैनेजर विथ ट्वेंटी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर हमने इसको थोड़ा आई कैची कर दिया है कि यार आप मेरी एप्लीकेशन को क्यों प्रेफ्रेंस दोगे क्योंकि मेरा वर्क एक्सपीरियंस बहुत इंटेंस है कोई और स्किल बहुत ज़्यादा इंटेंस है तो आप उसको भी कीवर्ड्स में लिख सकते हैं जॉब इंक्वायरी वासु शर्मा टेन इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन आईटी जॉब इंक्वायरी अब आपको पता नहीं है कि कंपनी में exactly हायरिंग हो रही है या नहीं हो रही है पर आपको लग रहा है कि यार इस कंपनी के साथ ना मेरा काम करने का सच में मन है तो जॉब इंक्वायरी नाम लिख दिया एक्सपीरियंस लिख दिया और डोमेन लिख दिया ठीक है हीयर इज द कैलेंडर फॉर टुमोरोज मीटिंग मीटिंग शेड्यूल्ड हो गई है हमें टीम uh, मेम्बर्स को इंफॉर्म करना है कि मीटिंग कहाँ पर है और किस टाइम पर है तो हम कह सकते हैं हीयर इज द कैलेंडर फॉर टुमोरोज मीटिंग ये रहा कैलेंडर कितना प्यारा वर्ड है ना कैलेंडर मतलब यहाँ पर एक्जैक्टली exactly यूज हुआ है टाइम टेबल से कि क्या शेड्यूल रहेगा कितने बजे शुरू होगी कितने बजे ब्रेक होगा कितने बजे एंड होगी सो हियर इज द ये रहा कैलेंडर आज कल की मीटिंग का थैंक्स फॉर गिविंग मी टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल मीटिंग फिक्स्ड किसी बहुत इंपॉर्टेंट बंदे ने कन्फर्मेशन दिया है मीटिंग के लिए तो आप उनको थैंक्स ईमेल लिख सकते हैं इसका बेनिफिट क्या है कि वो मीटिंग को रीशेड्यूल नहीं करेंगे करेंगे तो आपको इन्फॉर्म करेंगे क्योंकि आपने उनको ईमेल भी किया है ना रिमाइंडर भी दिया है कि सर कल मीटिंग है प्लीज़ आ जाना और मीटिंग शेड्यूल्ड है अब मीटिंग फिक्स्ड अगर हम खाली सब्जेक्ट लाइन लिखते तो शायद थोड़ा रूड लगता क्योंकि वो बंदा थोड़ी हाई अथॉरिटी पर है ना उसके पास पावर्स हैं पोजीशन पर है तो हमने उन्हें पहले थैंक्स कहा है कि अपने फ्रॉम मतलब से कि अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालने के लिए धन्यवाद थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम कहाँ से फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल मीटिंग फिक्स्ड यहाँ पे फ्रॉम प्रपोजिशन यूज हुई है तो जब भी मैं सेंटेंसेस पढ़ती हूँ मैं प्रपोजिशन पर एक्स्ट्रा अटेंशन देती हूँ कि किस प्रपोजिशन का कहाँ पे कैसे यूज़ हुआ है इससे आपके माइंड में पैटर्न्स बिल्ड होते हैं ग्रामर के सेकंड स्टेप आता है ईमेल राइटिंग में कि आप पहले बंदे को नमस्कार करें और रिटन इंग्लिश में ये तरीके हैं नमस्ते बोलने के ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करने के आप लिख सकते हैं गुड मॉर्निंग मिस्टर अच्छा हमेशा लास्ट नेम यूज होगा अगर आप मिस्टर या मिस वर्ड यूज कर रहे हैं तो अगर मिस्टर शर्मा को मैं ई मेल मिस्टर कपिल शर्मा लेट्स सपोज नेम है तो मैं कहूंगी गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा ना कि गुड मॉर्निंग मिस्टर कपिल ठीक है याद रखें इस बात को हेलो मिस किसी भी फीमेल को अगर आप एड्रेस कर रहे हैं ईमेल लिख रहे हैं तो एम आई डबल एस को भूल जाओ एम आर एस को भी भूल जाओ जैसे मेल में पता नहीं चलता है ना कि वो बंदा मैरिड है या अनमैरिड है वैसे ही फीमेल्स में हम एम एस यूज़ करते हैं जिसकी प्रोनंसिएशन है मिस इसका मतलब है कि आपको पता नहीं है या मे बी आप कंसर्न नहीं हैं कि वो लेडी मैरिड है या अनमैरिड है आप अपने काम से ज़्यादा फोकस्ड हैं तो किसी फ़ीमेल को एड्रेस करते टाइम आज की डेट में हम ई राइटिंग में कभी मिस और मिसेस के चक्कर में नहीं बढ़ते हैं हम बस उनका last name use करते हैं और जैसे mister है वैसे ही miss, uh, use करेंगे गुड मॉर्निंग ये बहुत ही रिफ्रेशिंग सा है जैसे अगर मैं आपको भी ईमेल लिख रही हूं तो पहले मैंने कहा वेरी गुड मॉर्निंग कितना लाइक फैसिनेटिंग सा कितना आई कैची सा लग रहा है ना अगर आप मेरे को भी ई लिखेंगे और आपने कहा मिस विद्युषी अ वेरी गुड मॉर्निंग और उसके बाद बात शुरू करेंगे तो दिस इज़ लाइक समथिंग न्यू आप इसको नोट बनाएँ हे फर्स्ट नेम अच्छा मैं इसे प्रेफर नहीं करती ऐसा लगता है ही मतलब इज़ लाइक कि क्या हो गया भाई हे मिस्टर शर्मा थोड़ा सा कैजुअल है इनफॉर्मल है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ई मेल राइटिंग में बट आई पर्सनली डू नॉट लाइक दिस सेलिटेशन मच हे मिस्टर शर्मा नैन रॉई डजेंट साउंड गुड आप यूज कर सकते हैं लोग यूज करते हैं लास्ट इज डियर कोलीग्स अगर आप अपने टीम मेट्स को ई मेल लिख रहे हैं तो आप डियर कोलीग्स डियर प्रिया डियर प्रिया अगर कैजुअल रिलेशन है आपका किसी के साथ तो मिस्टर मिज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है जैसे डियर प्रिया कॉमा और उसके बाद अपनी बात शुरू करें ई मेल राइटिंग के फॉर्मेट में थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप आता है ओपनिंग स्टेटमेंट का इसका मतलब है कि यार ठीक है नमस्ते हो गई अब हम पूछ रहे हैं कि लाइफ में सब सही चल रहा है ना सब ठीक है ना मतलब मुद्दे की बात पर आने से पहले हम थोड़ी सी रेपो बिल्ड कर रहे हैं कि बंदे को ये ना लगे कि यार उसने तो बस काम के लिए ही मेरे को ई मेल किया है तो एक सेंटेंस विल बी जस्ट मोर देन अनफ टू सर्व दिस पर्पज आप कह सकते हैं कि भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन अभी तक बहुत अच्छा रहा हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ये सेंटेंस फ्रेम हुआ है आई होप यू हैव हैड हैव अ ग्रेट डे बोलते हैं आप हैव अ ग्रेट डे अहेड आपका दिन बहुत अच्छा हो हैव की थर्ड फॉर्म यहाँ पर हैड यूज हुई है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है सो आई होप यू हैव क्या हैड अ ग्रेट डे कि आपका अभी तक का दिन बहुत अच्छा जा चुका हो सो so फार मतलब अभी तक तो कंप्लीट सेंटेंस है आई होप यू हैव हैड अ ग्रेट डे सो फार एक बार बोल भी लेते हैं क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में भी आप इसे यूज कर सकते हैं किसी से मिलने जा रहे हैं मीटिंग में तो कह सकते हैं हेलो मिस्टर शर्मा आई होप यू हैव हैड अ ग्रेट डे सो फार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका अभी तक का दिन बहुत ही अच्छा गया हो अब अगर ये मंडे है वीक की स्टार्टिंग है तो आप इसमें छोटा सा चेंज कर सकते हैं सेंटेंस में यू कैन से आई होप यू हैव हैड अ ग्रेट स्टार्ट टू द वीक मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके वीक की शुरुआत बहुत ही बिंदास रही हो आई होप यू हैव हैड अ ग्रेट स्टार्ट किस चीज़ के लिए वीक के लिए टू द वीक जो आने वाला वीक है उसकी शुरुआत जो हम मंडे में करते हैं और ये कुछ से आई होप यू आर ऑल फन एंड फ्रॉलिक फन एंड फ्रॉलिक एक फ्रेज है इसका मतलब है कि सब चिल एकदम सब बहुत बढ़िया हैप्पी हैप्पी यू नो पॉजिटिव वाइब्स वाला सो ये भी एक सेंटेंस आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं आई होप यू आर ऑल फन एंड फ्रॉलिक बहुत फॉर्मल नहीं है ये फ्रेज थोड़ा सा कैजुअल है पर इंटरेस्टिंग लगता है तो You can certainly use it. I hope you are all fun and frolic. Thank you for getting in touch. किसी ने आपको बहुत इम्पॉर्टेंट ईमेल किया है और आपको उनसे वो कॉन्वर्जेशन आगे प्रोसीड करनी है तो आप उन्हें पहले थैंक्स कह सकते हैं कि उन्होंने आपको कॉन्टैक्ट किया उसके लिए सेंटेंस है थैंक यू फॉर गेटिंग इन टच मतलब कनेक्शन बिल्ड करने के लिए शुक्रिया उसके बाद आप अपनी बात कहेंगे थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स

देखिए कि आपने किसी को कोल्ड ई किया था बाय चांस वो आपकी सर्विसेज में इंटरेस्टेड है उन्होंने आपको रिप्लाई भी कर दिया पर आपको लग रहा है यार ई मेल बहुत हो गया अब मैं इसको कॉल पर लेकर आता हूं कि फोन पर बात करके इशू को रिजॉल्व करते हैं या मे बी जो आप उनके लिए बिजनेस प्रोजेक्ट लेकर आए हैं उसके बारे में फोन पर बात करते हैं तो आपने उन्हें पहले बहुत प्यार से थैंक्स बोला थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स अब आप कह रहे हैं कि हालांकि हाउ एवर आई फील दैट मैं फील करता हूं कि इट वुड बी ग्रेट टू कनेक्ट ओवर आ कॉल फ़ोन के थ्रू कनेक्ट करते हैं क्या करने के लिए डिस्कस करने के लिए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इस प्रोजेक्ट में अगर इस प्रोजेक्ट पर आप काम करते हैं मेरे साथ तो हमें क्या नया मिलेगा और इसका पोटेंशियल क्या है मतलब बेनिफिट क्या होगा किन किन डोमेन्स में काम कर सकते हैं और पोटेंशियल मतलब इसमें कितना बेनिफिट है उस चीज़ को हम डिटेल में जानते हैं अब पूरा सेंटेंस एक बार आंखें बंद करो ग्रामर पढ़ी है तो बहुत इजी होगा क्योंकि सारे बेसिक पैटर्न्स हैं आपने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स However, I feel if we connect over a call, if we connect over a call, क्या करने के लिए to use हुआ है क्योंकि दो uh, phrases को आप connect कर रहे हो to क्या करने के लिए to discuss the possibilities and पोटेंशियल इन डिटेल फोर्थ स्टेप बॉडी जो होती है ईमेल राइटिंग की जान उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर इसको समझने से पहले गाइज अगर आपको फील होता है कि आप अपनी कंपनी में नू फील लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन कि यार मतलब मेरे को बात करना नहीं आता है मेरे को रेपो बिल्ड करना नहीं आता है क्लाइंट्स के साथ कोलीग्स के साथ इवन मेरे मैनेजर्स भी मेरे को ढंग से नहीं समझ पाते क्योंकि मुझे पता नहीं है मुझे अपने आइडियाज़ को किस तरह बहुत इफेक्टिवली कम्यूनिकेट करना है तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगी जो आपको गूएफल पर सुन सकते हैं और इस बुक का नाम है हाउ टू टॉक टू एनी वन तो इस बुक समरी में आप डिस्कवर करेंगे 92 टेक्निक्स जो आपको प्रिपेयर करेंगी डिफरेंट सिचुएशंस में लोगों के साथ बहुत कॉन्फिडेंटली बात करने के लिए इनकेस आपको कुकू एफ के बारे में नहीं पता है तो ये एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है ऑडियो लर्निंग के लिए आप इस प्लेटफॉर्म पर हजारों ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं और अपने स्किल सेट को और बेहतर कर सकते हैं इसका सब्सक्रिप्शन आपको कॉस्ट करता है 399 पूरे साल का पर क्योंकि कुकू एफ ने स्पॉन्सर किया है इस वीडियो को मेरे व्यूअर्स के लिए तो आपको पूरे साल इन हज़ारों बुक्स का एक्सेस मिल सकता है सिर्फ वन नाइन्टी में अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हैं चलिए अब बॉडी समझते हैं बॉडी एग्जैक्टली exactly क्या होती है कि यार जो मेन मुद्दा है उसके बारे में बात करें और बॉडी हर ईमेल की अलग होगी इसके सेट इंग्लिश एक्सप्रेशंस नहीं हो सकते हैं मैंने यहाँ पर जो सैंपल ऐड किया है वो किया है जब आपको पेमेंट लेनी होती है किसी से पर पेमेंट आती नहीं है तो आप कैसे ई लिखेंगे तो इन यू नो इन क्या होती है जैसे अगर मेरे को किसी से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की अपनी कोई पेमेंट लेनी है तो मुझे इनवाइस जनरेट करके देनी पड़ेगी तो जस्ट इन केस अगर इनवाइस देने के बाद भी पैसा नहीं आया है तो कुछ इस तरह की बॉडी होगी हमारी ई की ये पहला ओपनिंग सेंटेंस ही है एक और आप लिख सकते हैं आई होप दिस नोट फाइंड यू वेल मतलब जो मैं आपको मैसेज लिख रहा हूँ जो ई लिख रहा हूँ ये जब आपको मिले तो आप बहुत हेल्दी हो आई होप दिस नोट फाइंड्स यू वेल आई एम ई मेलिंग टू फॉलो अप ऑन एन इन बहुत प्यारा सेंटेंस है आई एम ई मेलिंग ईमेल ई मेल कर रहा हूँ पूछताछ करने के लिए फॉलो अप करने के लिए इस इन वॉयस नंबर पर जो मैंने आपको ई मेल करी थी इस तारीख को एन इन वॉयस दैट आई ई मेल्ड ऑन दिस डेट आई हैवन रिसीव द पेमेंट येट मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले हैं येट मतलब अभी तक और सो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर यू गॉट इट तो मैं बस ये इंश्योर करना चाहता था कि आपको मेरी ई मेल मिल गई है या नहीं मिली है एज अ जेंटल रिमाइंडर बहुत प्यारा सेंटेंस है एज अ जेंटल रिमाइंडर आप हार्श नहीं हो रहे हैं रूड नहीं हो रहे हैं कह रहे हैं बस मैं याद करा रहा था एज अ जेंटल रिमाइंडर पेमेंट इज ड्यू ऑन मतलब इस तारीख से पेमेंट ड्यू है पेमेंट होनी थी 10 तारीख को और आज 25 तारीख हो गई है आई हैव रीअैच्ड पहले भी अटैच करी थी इन पर फिर से अटैच कर देता हूं जस्ट इन केस आपने मिस ना करी हो आई है इन वॉयस इनकेस यू नीडेड अगर आपको चाहिए हो तो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट वीक तो ये ग्रीटिंग्स है ये ओपनिंग स्टेटमेंट है ये मेन बॉडी है और लास्ट हम सीखते हैं यहां पर क्लोजिंग रिमार्क्स और यू कैन ऑल्सो से इट क्लोजिंग स्टेटमेंट क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या है कि भैया सब कुछ हो गया अब आप उनको बाय बाय बोल रहे हो कि चलो ठीक है फिर अच्छा रहा आपसे बातचीत करना फिर मिलते हैं या मैं इंतजार करूंगा आपसे सुनने के लिए उसके कुछ सैम्पल सेंटेंसेस आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आपसे जल्दी ही सुनूँ फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा अगर कोई भी वर्ब आएगी उसमें हमेशा आई एन जी यूज़ होगा आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू ठीक है इसको एक नोट बना लें यहाँ पर हमेशा लुक फॉरवर्ड फ्रेज यूज़ होगा तो हमेशा वर्ब में आई एन जी यूज होगा लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मैं इंतजार कर रहा हूँ एक बहुत जल्दी वाले रिप्लाई का कि आप मेरे को जल्दी से रिप्लाई करके बताएं कि क्या करना है आगे आई वुड अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट अटेंशन टू दिस मैटर आपने कोई कंप्लेन ईमेल लिखी है है ना और लिखने के बाद आप उनको कह रहे हैं कि भाई जल्दी से इस मैटर की पूछताछ करो कि हुआ क्यों है क्या है और क्या सॉल्यूशन है तो आप कह रहे हैं कि मैं सराहना करूंगा मैं यू नो अप्रिशिएट करूंगा आई वुड अप्रिशिएट किया जल्दी वाली अटेंशन योर प्रॉम्प्ट अटेंशन इस मैटर पर टू दिस मैटर मैटर कोई भी हो सकता है फील फ्री टू कनेक्ट मी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चनस अब आपने पूरा सब कुछ डिटेल लिख दिया है पर आपको लग रहा है कि यार अगर कोई भी डिटेल मिस होगी तो मैं उन्हें बोल देता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे से वो डिटेल मांग लीजिएगा तो फील फ्री टू कनेक्ट मी मेरे को कनेक्ट करने के लिए आप बिल्कुल फ्री फील करें अगर आपको कोई और क्वेश्चन है या इफ़ यू नीड एनीथिंग एल्स या आपको कोई और चीज़ चाहिए थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन लास्ट में आपने बंदे को थैंक्स बोला है कि भाई मेरी ई पढ़ने के लिए शुक्रिया और आप इसके ऊपर थॉट्स देंगे मुझे यकीन है आप इस मैटर की सुनवाई करेंगे या मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे उसके लिए हमने कंसिडरेशन वर्ड यूज़ किया है थैंक यू आपके टाइम के लिए और आपके कंसिडरेशन के लिए व्हाट्स द बेस्ट वे फॉर मी टू गेट 15 मिनट्स ऑन योर कैलेंडर बहुत प्यारा सेंटेंस है आपने पहले कंसर्न बताया कि ये हो रहा है ऐसा हो रहा है ये ऐसा हो सकता है या फिर एक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हम साथ में काम कर सकते हैं फिर आपने उनको लास्ट में बोल दिया कि प्लीज़ मेरे को बता दो कि क्या बेहतर तरीका क्या बेस्ट तरीका रहेगा कि मैं आपसे फ़िफ्टीन मिनट्स इन पर्सन मिलकर बात कर पाऊँ इस टॉपिक के ऊपर सो वॉट इज़ द बेस्ट वे फॉर मी टू गेट फिफ्टीन मिनट्स ऑन योर कैलेंडर ऑन योर कैलेंडर मतलब आपके शेड्यूल में से आपके मेरे को पंद्रह मिनट मिल जाए उसका क्या बेहतर तरीका है आप प्लीज़ इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए वॉट इज द बेस्ट वे फॉर मी टू गेट फिफ्टीन मिनट्स ऑन योर कैलेंडर जस्ट फ्यू मोर सेंटेंसेस प्लीज लेट मी नो वॉट टाइम वर्कस बेस्ट फॉर यू किसी से मीटिंग शेड्यूल करनी है पर आपको लग रहा है कि उनका बहुत बिजी शेड्यूल है तो आप कह सकते हैं कि प्लीज़ मुझे बता दो आपके लिए कौन सा समय बेहतर रहेगा वॉट टाइम वर्क्स best for you please let me know what time works best for you I look forward to hai, receiving hai. I look forward to receiving your approval soon. लीव uh, एप्लीकेशन दी है तो आप वहाँ पर कह सकते हैं कि भाई मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपकी अप्रूवल रिसीव करने के लिए आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर अप्रूवल सून इफ़ यू रिक्वायर एनी थिंग एल्स डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी मतलब कैजुअली अगर मैं बोलूँगी तो मैं कहूँगी कि भाई टेंशन की कोई बात नहीं है कुछ भी और चाहिए होगा बिंदास बता देना मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँगी और अगर इसको फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में लिख कर कहना है तो मैं इसको बहुत कायदे से लिखूँगी इफ़ यू रिक्वायर एनी थिंग एल्स

और आप लिख सकते हैं बेस्ट और अपना नाम ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है या आप लिख सकते हैं चेयर्स मतलब ई मेल लिखी है मैंने ना मीटिंग स्केड्यूल करने के लिए मेरे को उसे बहुत फॉर्मल नहीं साउंड कराना है तो मैं कहूँगी बेस्ट विद्युषी कौशिक चेयर्स इज़ लाइक सब कुछ अच्छा चल रहा है लाइफ में आगे भी अच्छा चलेगा चेयर्स विद्युषी कौशिक इवन विद्युषी कौशिक लिखने की भी जरूरत नहीं है जस्ट चेयर्स एंड दिस एक्सक्लोमेशन मार्क सेंडिंग यू पॉजिटिव वाइब्स ये वाला थोड़ा कैजल है आप इसको अपने क्लाइंट्स को ना लिखें पर इन जनरल अगर आपको ई मेल लिख रहे हैं बंदा आपको अच्छे से जानता है आप भी उन्हें जानते हैं तो जैसे सेंडिंग यू पॉजिटिव वाइब्स इसी तरह मैं भी आपको बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स सेंड कर रही हूँ कि आपको स्ट्रेंथ मिले इस कॉम्प्लेक्स लेक्चर को डाइजेस्ट करने की ये बिल्कुल फिल्टर्ड कंटेंट है गाइस इसकी इंपॉर्टेंस आपको सिर्फ तब पता होगी जब आपने स्ट्रगल किया होगा ईमेल राइटिंग के लिए अपने करियर में आप दस वर्कशॉप अटेंड करते हैं और आप इस वीडियो को ढंग से कंज्यूम करते हैं वो इक्वलेंट होगी फ्री ऑफ कॉस्ट वेल अगर आप एफ एम डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और पिंड कॉमेंट में और अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो प्लीज़ अपने रिव्यूज़ मेरे साथ शेयर करें कि इस नई हॉबी को आप कैसे इंजॉय कर रहे हैं मिलते हैं आपसे नई वीडियो में <laughs> बहुत जल्दी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो जल दी एंड ऑल द बेस्ट कीप लर्निंग कीप ग्रॉइंग